कौशाम्बी में इन दिनों दबंग भू माफियाओं के हौसले चरम पर हैं। आए दिन ये भू माफिया गरीब बेसहारा लोगों के जमीन घर हड़पने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बजनपुर कोतवाली के हजरतगंज मोहल्ले का है, जहां पर एक भू माफिया एक गरीब विधवा महिला का घर गिराकर महिला को मार पीट कर भगाने का काम कर रहा है। भू माफिया ने जेसीबी लगवाकर घर गिरा दिया। घर के अंदर सो रही विधवा महिला की बेटी भागकर बाहर आई और शोर करना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जेसीबी और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर भू माफिया के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या हुआ है? हम अंदर सो रहे थे, उसके बाद ट्रैक्टर अंदर जब गया था तो मेरे ऊपर खाना रखने वाली अलमारी गिर गई थी, तो हमने चिल्ला के बाहर बोला। एक लड़का खड़ा था जो मजदूर, हमने बोला चलो आके अंदर देखो, इसने अंदर नहीं आया था। उसके बाद हम मम्मी के पास गए थे। मट्टी कौन गिरवा रहा है? हाँ, गिरवा रहा था। आपका क्या नाम है? पिट्टी देवी। थाना मंजनपुर में आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक पीड़िता का घर गिरा रहे हैं, और इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पे गए और जिस ट्रैक्टर से घर गिराए जाने की सूचना मिली थी उसको जब्त किया और उसमें एसटी एक्ट का मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की भूमाफिया से संबंधित जो भी प्रकरण आएंगे भविष्य में भी इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।